गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन आर सी आई एजुकेशन हब। इन दिस चैनल वी आर प्रोवाइडिंग बेस्ट एजुकेशन। सो लास्ट टू वीडियो यू आर वॉचिंग अबाउट सेकेंड चैप्टर ऑफ नाइन्थ क्लास फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। दिस इज द लास्ट एंड थर्ड वीडियो, एंड इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन फ्यू कंटेंट आर रिमेनिंग। सो लेट्स स्टार्ट इन दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद इंडियन डेजर्ट। इन दिस डेजर्ट वी सीन और वी नो वेरी वेल अबाउट what is the desert. Desert is a particular area where rainfall and water amount is so less, water availability is not there, that's why these are area is known as desert. So in India there is Thar desert is famous, and another one is Gujarat, like Kutch desert is also famous, it's also known as Ran. So what we can find in desert area, branches is there. अब ब्रंचेज क्या होती है, मैंने अब लिख दिया है यहाँ पे कि जो आपको यहाँ पे जो सैंड्यून्स होती है। सो सैंड्यून्स का मीन क्या होता है, सैंड्यून्स ये इस तरह का जो मैंने अभी यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, इसके अकॉर्डिंग आप सैंड्यून्स को समझ सकते हैं। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ सैंड्यून्स व्हेन वी आर फीलिंग समर सीजन, सो वाइंड आर ब्लोइंग इन वेरी हाई स्पीड। सो व्हेन द एयर और वाइंड विल बी ब्लोइंग इन हाई स्पीड, सो द सैंड ऑल्सो कंटेंट विद द एयर एंड इट विल बी डिपॉजिट टू अनदर पार्ट। When the soil will be deposited in another part, then a new formation will be created, such like that. यहाँ पे क्या हुआ कि जैसलमेर वाला इलाका हो गया, जो हमारा बाड़मेर हो गया, बीकानेर हो गया, जहाँ पे रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पे क्या होता है, हवा बहुत स्पीड से चलती है, और स्पीड से चलने के कारण क्या होता है, वो मिट्टी एक जगह से ले जाके दूसरी जगह पे वो डिपॉजिट करती है। जो डिपॉजिट करने के बाद में इस तरह का जो टीले बनते हैं, इस तरह का जो एरिया बनते हैं, इसको सैंड्यून बोला गया है। और इन्हीं सैंड्यून्स की अगर बात करें तो ये आपको मोस्टली आपको डेजर्ट में देखने को मिल जाएगा। What is the reason behind it? Why sand dunes are also found in a desert area? There is one single reason is that. Reason is that what? Because I already told that there is one reason, lack of water. Water scarcity is there, that's why we can see that soil has no strong position is at that place. So we can say that when the wind blowing in the high speeds and sand and soil are also blowing with the एयर स्पीड, ये आपको देखने को मिल गया। तो इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सेकंड जो कंटेंट आपका रिमेन बचा हुआ था वो कोस्टल प्लेन की बात का। तो कोस्टल प्लेन में क्या था, तो कोस्टल प्लेन की अगर बात की तो इससे पहले वाला जो वीडियो में आपने जो डेक्कन प्लेटू वाला जो डायग्राम और जो मैप पढ़ा था या उसके जो कंटेंट पढ़े थे उसमें वही वाली चीज़ है। यहाँ पे ये वाला जो पूरा का पूरा जो एरिया है वो डेक्कन प्लेटू का है, और डेक्कन प्लेटू में मैंने आपको बताया था ट्रायंगुलर शेप का जो लैंड होता है या ट्रायंगुलर शेप का जो एरिया है वो सारा का सारा है। तो इधर वाला जो एरिया जो मैंने आपको बताया था कौन सा एरिया था, ये वेस्टर्न घाट, और इधर वाला जो एरिया था ईस्टर्न घाट। वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे जो एरिया है, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड डैट कि ट्रायंगुलर शेप का जो लैंड है जो तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है, इसी को आपने कोस्ट लाइन एरिया बोला है या कोस्टल प्लेन बोला गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये मुंबई और गोवा वाला जो पार्ट है इसको कोंकण बोल दिया गया, सेंटर का होता है इसको कन्नड़ बोल दिया गया, और इसके साथ साथ में आपको यहाँ पे जो बचा है इसको मालाबार कोस्ट बोला गया। इंडियन ओशियन इधर है, बे ऑफ बंगाल इधर है, अरेबियन सी इधर है, इधर कोरोमंडल कोस्ट हो गया, उसके साथ साथ में यहाँ पे कुछ रिवर्स भी फ्लो होती है जिसमें आपको महानदी रिवर होगी, गोदावरी रिवर होगी, कृष्णा रिवर होगी, कावेरी रिवर होगी, इन्हीं की ट्रिब्यूट से या यहाँ पे जहाँ इनकी ट्रिब्यूटरीज बनती है वहाँ पे एक एक्सटेंसिव डेल्टा बनता है, चिल्का लेक का, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, और फेमस होने के साथ साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको फर्टिलिटी और एक बेस्ट एनवायरनमेंट आपको वहाँ पे मिलता है। तो ये सारा सारा कोस्टल एरिया था, कोस्टल प्लेन था जो मैंने आपको बताया कि ये रिवर्स के पास में या जो हमारी सीज हैं ओशियन से उनके पास वाला जो एरिया है वो कोस्टल प्लेन है। इसको आगे डिटेल में आप अपने चैप्टर में देख लेना, बस इतना ही उसमें था, और कुछ जानने के लिए आप अपनी बुक्स में देख लेना। लास्ट वन जो बचा है वो अपना आइलैंड बचता है। तो आइलैंड की अगर बात करें तो आइलैंड हमारे यहाँ पे जो जितने भी जो एरियाज है, जैसे अगर बात करें ये कोस्टल एरिया है, तो इस कोस्टल एरिया पे आपके यहाँ पे छोटी छोटी जो आपके जो छोटे छोटे आइलैंड मिलेंगे, ये आइलैंड की अगर बात करें तो इस कंटेंट में इन्हीं के बारे में दिया गया। तो इस कंटेंट में जो इन्हीं के बारे में दिया गया, तो इनको आपने अच्छे से पहचान भी रखा है, इनके आइडेंटिफाई भी किया है। अंडमान निकोबार आइलैंड होते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड होते हैं, इन्हीं के बारे में आज बात करते हैं। तो इन्हीं के बारे अगर बात करें तो लक्षद्वीप की बात करें तो जैसे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप है, तो लक्ष इसमें लैकाद्वीप हो गया, मैन मिनिकॉय हो गया, और
अमिंडी हो गया, इनको अगर बात करें कि इनको पुराने नामों से इस तरह से जाना जाता था कि 1973 में वहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ पे उसको एक नया आइडेंटिफाई कर दिया गया, उसको नया नाम दे दिया गया, उसका नाम था लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप के द्वारा जितना टोटल एरिया कवर किया गया था वो 32 किलोमीटर एरिया था। अब लक्षद्वीप की अगर बात करें, छोटी सी एक स्टोरी भी इसके पीछे थी कि लक्षद्वीप इसको क्यों कहा गया था। लक्षद्वीप इसलिए कहा गया था बिकॉज अर्लियर में या अर्लियर टाइम में या एंशिएंट टाइम में इसके पास में लाखों छोटे छोटे टापू थे या लाखों इसमें द्वीप थे, इसकी वजह से इसको लक्षद्वीप बोला गया। ठीक है, उसके साथ साथ बात करें कि जो लक्षद्वीप का जो हेडक्वार्टर है वो कारावटी है। कारावटी इसका जो हेडक्वार्टर है, और इसने ही वहाँ की जो जो आइलैंड है या वहाँ की जो हैबिटेशन है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने एक अलग से रूल रेगुलेशन भी बनाया है। जैसे कि बात करें कि यहाँ की जो ब्रिटी आइलैंड की वजह से वहाँ पे उन्होंने एक बर्ड सेंचुरी बनाई है, तो बर्ड सेंचुरी इसलिए बनाई गई कि जो माइग्रेट होने वाले जो बर्ड्स हैं या वहाँ के जो होने वाले जो बर्ड्स हैं वो आकर वहाँ पे रह सकते हैं। और साथ साथ अगर हम बात करें, जैसे हमारे यहाँ पे मॉनसून बर्ड्स होते हैं, मॉनसून बर्ड्स जो दूसरे देश से आने वाले जो बर्ड्स होते हैं वो भी इसी तरह की सेंचुरी में आते हैं। तो कहने का मीन यहाँ पे हो गया कि आपका इस वीडियो में इंडियन डेजर्ट, जो आपका राजस्थान वाला जो डेजर्ट है वो कंप्लीट हो गया, उसके साथ साथ कोस्ट लाइन एरिया है, जो कोस्टल प्लेन है वो कंप्लीट हो गया, और आइलैंड की अगर बात करें तो आइलैंड में आपने ये मैंने जो बताया कि लक्षद्वीप वाला और अंडमान निकोबार वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे दिया गया है। इसको और डेवलप करने के लिए हमारी गवर्नमेंट प्रोसेस कर रही है। साथ साथ ही ये जो चैप्टर चल रहा था, इस चैप्टर में आपका जो फिजिकल फीचर्स है वो फिजिकल फीचर्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है। और यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं, जो मिनरल्स आपकी डेवलपमेंट या डेवलपिंग कंट्री के हिसाब से जो जैसा भी आपका मैटर होता है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मिनरल्स यूज़ होते हैं और उसको हम यूटिलाइज़ करते हैं, जिससे कि आप अपने कंट्री का डेवलप कर सकते हैं, अपनी रिसोर्सेज का डेवलप कर सकते हैं, और जितने भी आपके मिनरल्स ऑब्टेन होंगे उससे आपकी ग्रोथ होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।